एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा से लौटकर मदीना की तरफ आ रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो वहीं पड़ाव डाला। आप खुले मैदान में सोए हुए थे, अचानक आपकी आंख खुली तो देखा कि आसमान पर 14वीं का चांद नूर बरसा रहा था। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आसमान के चांद को देखा तो उन्हें बेख्तियार मदीने का चांद याद आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आते ही उठ बैठे। उस वक्त तन्हाई थी, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान से नूर बरस रहा था, कुबूलियत दुआ का मौका महसूस हो रहा था। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपने दिल का राज खोला और अपने दिल की तमन्ना यूं बयान की, ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमाइए और मेरी कब्र महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में बना दीजिए। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो इतना ही मांगा था कि उनको शहादत तो किसी जगह भी मिल सकती थी, चाहे पहाड़ की चोटी पर मिलती, चाहे किसी मैदान में मिलती, मगर अल्लाह ताला कद्रदान है। अल्लाह ताला ने उनकी तमन्ना को पूरा किया, मगर किस अंदाज में किया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बावजू हैं, मुसले नबवी पर खड़े हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। इस कुर्ब व एहसान की कैफियत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत अता फरमा दी। वह जख्म उसी वक्त लगा था। मुसले नबवी पर शहादत का मर्तबा अता फरमा देना अल्लाह की तरफ से कद्रदानी नहीं तो और क्या है। उन्होंने तो सिर्फ शहादत मांगी थी, मगर उनकी उम्मीद से बढ़कर उनके साथ खैर का मामला किया गया। उन्होंने दूसरी दुआ यह मांगी थी, ए अल्लाह मेरी कब्र अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में बना देना, अगर कब्र जन्नतुल बकी में बन जाती तो तब भी दुआ पूरी हो जाती, मगर अल्लाह ताला कद्रदान है। अल्लाह ताला ने उनकी कब्र के लिए कहां जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उन्हें रियाजुल जन्नत में और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होने की जगह अता फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनकी यह कद्रदानी थी।